ये तूफान जो आए हुए हैं, ये तो न वो कश्मीर वाला और शाम वाला वो मसाले हम लोगों से भूल गया, इधर शेलिंग किया, औरतों को जबरदस्ती निकाल दिया। चर्बी में मैंने कहा कि जितने भी यहाँ के सैलाब वाले हैं, जिसके घर तबाह हैं, हम उसका घर बना के देंगे और हमारा घर जो है बर्बाद कर रहे हैं। बना हुआ घर तोड़ रहे हैं। 1971 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाओ कि हम लोग अभी कहाँ जाए, रोजगार है ही नहीं। ये निकलती इनकी है कि इन लोगों ने हमको नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया और आगे तोड़ दिए। वैसे तो ये सिनानी वाले भी बहुत है, बहुत शोर मचा थे वो आलमगिरी वाले भी, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आते। जी मैं 69 में यहाँ पे आया हूँ, मैं बच्चा था बिल्कुल, मेरी शादी यहाँ हुई, मेरी बेटी बेटियों की शादी हुई, मैं बैंक का मुलाजिम हूँ रिटायर्ड, वहाँ से जो मुझे रिटायरमेंट में मेरा 2013 में मैं रिटायर हुआ हूँ। मैंने बेटियों का शादी किया, बच्चों का शादी किया, जो मेरे साथ खर्चा पचा रहा मैंने ये घर बनाया। अब मेरे 5 बेटे हैं, सारे दरबार ये तकरीबन 52 से ये आबादी आबाद है। फिर उसके बाद चलो इन लोगों ने बोला कि हम इसको काट रहे हैं, 150 फुट हमें चाहिए, 150 फुट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अभी बोले कि नहीं हमें इसका भी ऑर्डर में रखे, इसको भी खर्चा कर दो, ये जो पट्टी है इसको भी खर्चा कर दो। तो अभी हम क्या करें, देखो हमारे 5 बजे सारे इधर बदल हो गए, आजकल कोई रोटी जो है ना नहीं खा सकते, मिल नहीं मिल रहे, मुश्किल से काम काज, तो ऐसी भी नहीं है, तो अभी वो कराया कहाँ से देंगे, खाना कहाँ से खाएंगे हैं। वैसे तो ये सिनानी वाले भी बहुत है, बहुत शोर मचा थे वो आलमगिरी वाले भी, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आते, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो किस चीज़ से पकाए, मजबूरी की वजह से हम लोग बीवी बच्चों को यहाँ से देखे गए, जब गैस ही नहीं है, बिजली नहीं है, तो फिर आदमी कहाँ से बनेगा, कहाँ से खाएगा। और ये जो जालिम लोग हैं ये बोलते हैं कि हम जो है ना ये घर खाली हो गए, तो खाली नहीं होगा, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, तो खाली नहीं होगा, बस यही है हमारी फरियाद। हम एक फैमिली के जैसे रहते थे यहाँ पे, चाहे रात का हो चाहे कहाँ का हो, माजर हो, जो भी, हम एक फैमिली के जैसे रहते थे, तो ये हमारी गुजारिश है पहुँचा दें मेहरबानी होगी, क्योंकि ये ज़्यादा मेले लालिम जो है ना उनके पास डंडा है, हमारे पास डंडा नहीं है, हम अगर वो करते हैं चीखते हैं पुकारते हैं वो हमारे पूरे कल भी 800 रुपये से मार किए, तो हम कहाँ जाए।
जी हम समझो सन 69 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, छोटे आए थे और यहाँ बड़े हुए हैं, यहाँ समझो शादी हुआ है, यहीं बड़े हुए हैं इसी मोहल्ले में मुजाहिद कॉलोनी में। ये अगर पहले बोल देते कि भाई ये नाजायज आबादी है तो हम लोग को भाई केस लगा के नहीं देता, बिजली लगा के नहीं देता, पानी नहीं देता, हमसे टैक्स नहीं लेता, तो हम मानते कि भाई चलो सही है, ये हमारी गलती है। लेकिन गलती इनकी है कि इन लोगों ने हमको नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया और आगे तोड़ दिए। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएं, रोज कमाने वाले रोज खाने वाले। 1971 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि हम लोग अभी कहाँ जाएं, रोजगार है ही नहीं, महीने से ज़्यादा हो गए बैठे हुए। और ये जो है ना, ये सिर्फ पठानों की आबादी को निशाना बना रहे हैं। परसों जब से हुआ है वहाँ पे हैदराबाद में, उसने चर्बी मेमन ने कहा कि जितने भी यहाँ के सैलाब वाले हैं जिसके घर तबाह, हम उसका घर बना के देंगे और हमारा घर जो है बर्बाद कर रहे हैं। बना हुआ घर तोड़ रहे हैं। अगर ये सबसे पहले डॉक्टर आसिम जो है ना, जो जियोद्दीन अस्पताल वाले, वहाँ से एक पानी का कनेक्शन लेते, मैंने खुद बदला थे, खुद कलमा पर गिला जो मैंने उसमें पढ़ा था कि वो डॉक्टर आसिम तीन लेने दे रहा था पानी के लिए। वहाँ के आवाम ने, गली वालों ने शोर शराबा किया, पुलिस वाला ने उसके ऊपर लाठी चार्ज किया। फिर उसके बाद जो इंक्वायरी बैठी वो DSP कसरवार निकला, कसरवार के बाद उसको मुख्तर किया। उस दिन से डॉक्टर आसिम ने ये इंतकाम लेना शुरू किया, सारे बच्ची को हटा रहे रोड के नाते, रोड नहीं बनेगा या फ्लैट और बंगले ये बनेंगे। देखो हम तो यही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको तबाह बर्बाद कर दे, जैसे हमें किया है, ऐसे जलील और ख्वार कर दे। डॉक्टर आसिम हो, जरदारी हो, जो भी लीडर इसमें मुलव्वस हो, अल्लाह इसको नीसो नाबूद कर दे, इंशाल्लाह होगा। गरीब अल्लाह तो सुनेगा ना, अगर हमारा कोई नहीं सुनता है, अल्लाह ताला तो है। अब आप एक कैमरे वाले भाई, अगर आपका घर कोई जाता है, आपकी बेटी माँ बहन है दर बदर हो जाए, आप क्या करेंगे? यही सूरत हाल पैदा हो, यही सूरत तो मैं यही कह रहा हूँ, हमारा बचपन खत्म कर, बचपन खत्म। बहनों भाइयों के जैसे रहते थे हम, न माजर का हमारे इसमें था, ये न थ्राई है, न ये पठान है, ये न पलाना है, ये इधर ऐसा भाई बंदी तो दोस्तों के इधर हर मुल्क का, भले वो काबल ग्राम का हो, सुवात का हो, पेशावर का हो, बाजौड़ी हो, हम लोग सब एक खानदान जैसा इधर जिंदगी गुजारता था। मेरा ये दाढ़ी सफेद हुआ है, मेरा इस घर का पैदाइश है, 47 साल अभी मेरा उम्र है, वालिद साहब ने लेते हुए 65-70 साल हो गया, यानी मेरे पैदाइश से पहला। अभी ये कहमत और ये तूफान जो आया हुआ है, ये तो न वो कश्मीर वाला और शाम वाला, वो मसाले हम लोगों से भूल गया। इधर शेलिंग किया, औरतों को जबरदस्ती निकाल दिया, थाना तहसील लेके गया, ये क्या यार माजरा है? हम पाकिस्तानी नहीं है कि क्या? दर बदर कर दिया, अभी हम लोग कहाँ कराए, कभी लोगों को नहीं मिल रहे। माने के मकान भी बोल रहे हैं, हमको 50,000 चाहिए एडवांस, हमें 20,000 चाहिए, हम लोगों के पास खाने के लिए ख्वार हो रहा है। ये जुल्म है, बस अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है। अभी देखो वो बुलडोजर, देखो यानी लोग खुद ही हटा रहे घर, और फिर भी देखो अचानक से भी हमारी नहीं सुनिटर ने हुक्म सुना दिया, सबने सुना दिया। लेकिन ये नहीं है कि यार ये एक साल एक बंदा है, ये सनबाउन से यहाँ पे चल रहा है, इसको कोई जगह तो दे दो ना, वो भी नहीं कर रहे ना बगैर नोटिस का। लेकिन यहाँ पे सारे बड़ों का खान, बड़े हिसाब की तरफ वही खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, हमारा और आपका टैक्स वो ले रहे हैं। रोड बना दिया, बड़ा एहसान कर दिया, हमने रोड बना दिया, अगर तुमने जेब से बनाया है तो कोई बात है, ये हमारे खून पसीने का टैक्स है, गाड़ियों का टैक्स है, ये देते। अगर आपने जेब से बना के देते, हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से ये लंदन भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, जापान भी जाते हैं, इलाज भी वहाँ करते, हम कहाँ जाएंगे? अभी देखो हमारे पास एक मैसेज आया है किसी पता नहीं हॉस्पिटल से, कहा पता है कि आपका इलाज जो है ना हमारे यहाँ हो सकता है, जब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम इलाज कहाँ से करवाएंगे? ठीक, हमारे पास खाने के लिए नहीं है,
हम इलाज कहाँ से करेंगे? सिलाने वाले भी नहीं आते कि भाई उनको गाना गिलाए। ये यहाँ इसको मिटा रहे थे, यहाँ पे टैंकी में बच्चा गिर गया और मर गया जी। बस यही बच्चा हमारा क्या बोल जी। सिंध गवर्नमेंट ने सब लोगों को तबाह बर्बाद कर दी है, अब बोलने को क्या है, क्या बोलें? बहुत सारे लोग जो है ना बेरोजगार हो गए इस इलाके से, रोजगार वाकिफ था, जलील भाई, जहांगीर भाई हो गए, शेरा उस्ताद हो गए, बहुत सारे दर बदर हो गए, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। बस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और फिर जो है ना वो जरा Yeah, yeah, yeah.